हेलो फ्रेंड्स, कुमुदनी की वेज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैंने बहुत ही टेस्टी पेड़े की रेसिपी बनाई है, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम समय में ये रेसिपी बनके तैयार होगी और खाने में बहुत ही टेस्टी। और आप देख रहे हैं कितनी अच्छी एकदम स्मूथ ये पेड़ा बना हुआ है। तो आइए इस रेसिपी को बनाते हैं फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए कहाँ से आप मेरी रेसिपी देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटा चम्मच जितना देसी घी ले लिया है और 1.25 कप जितना पोहा ले लिया है। पोहा ये जाड़ा वाला पोहा है जिसको चूरा बोला जाता है गाँव में। और इसको मैं एकदम लो फ्लेम पर ही भून रही हूँ, सिर्फ इसको हमको भूनना है, क्रंच करना है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो अपना कमेंट जरूर कीजिए, एक लाइक तो ज़रूर कीजिए। और आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, थोड़ी ही समय में ये हमारा पोहा भून जाता है। देखिए, ये जला नहीं है, सिर्फ कलर चेंज हुआ है और ये पूरा कुरकुरा मतलब एकदम क्रंची बन गया है। और देसी घी से बनाने की वजह से ना इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। मैं आपको हाथ से मसल कर दिखा रही हूँ कि इस तरह से एकदम सॉफ्ट सा ये भून चुका है। आप कोई भी पोहा ले सकते हैं, पतला पोहा या जाड़ा पोहा। यहाँ पे 1 कप मैंने चीनी ले ली है, यानी शक्कर ले लिया है। इसको हम पीस लेंगे और थोड़ी सी इलायची के दाने हैं और 1 मुट्ठी काजू है। चीनी के साथ में ही काजू और इलायची के दाने को भी हम पीस लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से एकदम महीन मिक्सर हो जाता है और जो काजू से तेल निकलने का डर रहता है वो भी इसके साथ में ख़त्म हो जाता है। देखिए, अच्छे से पीस के एक बर्तन में मैंने निकाल लिया और जो पोहा हमने भुना था उसको भी मिक्सर में डाल देंगे। तो बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी आप किसी भी त्यौहार में बना के दे सकते हैं या खा सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी है। देखिए, पोहा भी हमारा कितना महीन पीस कर रेडी हो चुका है भुनने की वजह से। तो इसको भी एक बर्तन में इस तरीके से निकाल लेते हैं। यहाँ पे 1 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है। आपके पास मिल्क पाउडर है तो डालिए, नहीं तो खोआ भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप ऑप्शनल रखिए इसको। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से मैं मिला रही हूँ हाथों से। और अब जब ये अच्छे से मिल जाए तीनों चीज़, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लेंगे और इस तरीके से छोटा चम्मच यूज करेंगे और इस तरीके से मिलाएंगे हाथों से। थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो हमको अनुभव होगा कि हमारा ये जो बैटर है ये गीला नहीं हो रहा है जैसा हमको चाहिए, मतलब थोड़ा सा सूखा हुआ ही चाहिए, कड़क चाहिए, बहुत गीला नहीं बनाना है। अगर बन जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि पोहा पानी सूखने में मास्टर होता है। अगर थोड़ा ज़्यादा आपका ये बैटर गीला हो जाता है तो थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए और इस तरीके से सेव दीजिए पेड़े का। नींबू से भी आधा ये लेना है लोई और हाथों से इस तरह से गोल करके उंगली से इस तरह से प्रेस कर दीजिए। हमारा पेड़ा तैयार है। एकदम आसान रेसिपी में आपके लिए लेके आई हूँ। आप किसी भी त्यौहार में बना के खा सकते हैं या भगवान को भी भोग लगा सकते हैं। बहुत ही आसान टेस्टी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। और देखिए कितनी आसानी से मैंने आपको ये रेसिपी बताई है। एकदम आसान और आसानी से बनने वाली ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पेड़े की, जो आप इस तरह से घर में पेड़ा बनाएंगे ना किसी भी त्यौहार में। अभी बहुत सारे त्यौहार और भी आ रहे हैं तो मैं तो गणेश चतुर्थी के लिए बना रही हूँ। देख लीजिए, एकदम गोल बना हुआ है, बिना दरारों का ये पेड़ा बना हुआ है। और मैंने आपको साथ ही में एक ट्रिक भी दी है कि अगर आपका ये बैटर या डो गीला भी हो जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए या फिर फ्रिज में रख दीजिए, दूध अपने आप सूख जाएगा। यहाँ पे हल्का सा ऐसे उंगलियों से दूध लगाना है और थोड़ी सी मैंने किशमिश को कट करके रख ली है। आप चाहें तो कुछ भी इसके ऊपर सजाने के लिए लगा सकते हैं, पिस्ता या बादाम वगैरह भी, लेकिन मैंने यहाँ पे किशमिश लगाया है थोड़ा सा कट करके, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। कितनी आसानी से मैंने बताया आपको ये रेसिपी।
मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप जब ये रेसिपी अपने घर में ट्राई करेंगी ना, तो आपकी बहुत ही तारीफ होगी और ये बनाना इतना आसान है। 15 मिनट में आपकी ये पेड़े की रेसिपी बनकर रेडी हो जाएगी। यहाँ पे जो मैंने दूध लगाया है पेड़े के ऊपर, बहुत ही जल्दी सूख जाएगा और किशमिश के जो दाने हैं वो आसानी से चिपक जाएंगे और नरम भी नहीं होगा। मैं आपको प्लेट सजाने के बाद तोड़कर भी दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, तो देख लीजिए एकदम आसानी से आसान रेसिपी। देखने में सुंदर है ना फ्रेंड्स, कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरे बोलने से एक बार ये रेसिपी बनाकर ट्राई कीजिए, जो बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी एक पेड़े की रेसिपी तैयार है। मैं तो चली पापा को भोग लगाने के लिए। आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। मैं ये चली पापा को भूख लगाने के लिए, आज लास्ट दिन है तो मैंने ये प्रसाद तैयार किया है।